Hello everyone, like guys, in today's class we will focus on layer 2 traffic engineering. The first key, like the traffic engineering ka means kya hai, path ko modify karna. So in case guys, agar aap routing mein baat karo, to agar aapke paas aise, let's say mere paas kya do router hai, and so we have like point A to point B. यहाँ पे गई लेकिन मेरे पास क्या दो रास्ते हैं, वन इज़ बाय लिंक वन एंड सेकंड इज़ बाय लिंक टू. ओके, तो गईस इन केस गईस आपके पास क्या रिक्वायरमेंट आती है, लाइक जब पॉइंट ए टू पॉइंट बी जब आपकी कम्युनिकेशन हो तो वो क्या है, बाय लिंक वन हो. तो लेट्स से गईस अगर आप राउटर के ऊपर क्या, आप अगर आप ओएसटीएफ रन कर रहे हो, तो गईस आपके पास रिक्वायरमेंट आई है लाइक जब ए और बी आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो इनका इनकमिंग एज वेल एज आउटगोइंग ट्रैफिक क्या है, वो लिंक वन से आपकी क्या है कम्युनिकेशन होनी चाहिए. तो इस केस में गाइस इफ़ यू रनिंग ओएसपीएफ, तो ओएसपीएफ में क्या है, आप इस लिंक की कॉस्ट क्या कम कन्फिगर कर दोगे और जो आपका सेकंड लिंक है इसकी कॉस्ट क्या आप हाई कन्फिगर कर दोगे. तो लाइक इन राउटिंग गाइज, लाइक अगर आप ओएसपीएफ रन कर रहे हो तो गाइज हम कॉस्ट वैल्यू से क्या है प्ले करते हैं. तो जिस लिंक को मेरे को प्राइमरी लिंक बनाना है इन ओएसपीएफ, उस लिंक की कॉस्ट मैं क्या कर देता हूँ, मैं लो सेट कर देता हूँ. ओके, लेकिन इस चीज़ को क्या कहते हैं, टीई. ओके, ट्रैफिक इंजीनियरिंग मीन्स क्या, पाथ को मॉडिफाई करना. एंड बिलीव मी गाइज, लाइक ये रिक्वायरमेंट क्या है इन द रियल वर्ल्ड यू विल सी. ओके, लोड गाइज, यहाँ पे हम राउटिंग की बात कर रहे हैं, बट इन केस गाइज अगर ये सेम चीज़ मेरे को स्विच यानी कि लैन पार्ट में अचीव करनी हो. ओके, लेट्स से मेरे पास दो सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी क्या सेम ही सबनेट में है और वी हैव टू लिंक. ओके, लिंक वन एंड लिंक टू. तो इस केस में गाइस लेट्स से समहाउ आपके जो लिंक वन में क्या है इशू आ रहा है, तो आप चाहते हो लाइक जब ए और बी आपस में कम्युनिकेट करे, दे विल प्रेफर द पाथ ओके वाया लिंक टू. तो लाइक स्विचिंग में हम ये चीज कैसे अचीव करेंगे, इसी के लिए स्विचिंग में आपका जो प्रोटोकॉल है एसटीपी प्रोटोकॉल डिसाइड करता है मेरे को कौन सा लिंक यूज़ करना है. तो जस्ट गाइस लाइक इफ़ यू रिमेंबर, बाय डिफॉल्ट जब इस होस्ट से जब आप होस्ट टू को पिंग कर रहे थे तो जो आपका पाथ फॉलो हो रहा था, तो लाइक एक्सेस स्विच पे जब ट्रैफिक आ रहा था तो ये ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा था किसको, कोर को. और देन गाइस लाइक कोर पे ये ट्रैफिक आ रहा था आपका एक्सेस स्विच टू पे, और उसके बाद गई ये आपका ट्रैफिक रिसीव हो रहा था किसकी तरफ, होस्ट टू की तरफ. बट दैट इज़ अ बाय डिफॉल्ट बिहेवियर, सो वी हैवंट लाइक डन एनी कॉन्फ़िगरेशन ऑन द स्विच साइड. तो गई ये आपकी क्या है कनेक्टिविटी हो रही थी फ्रॉम ए टू सॉरी होस्ट वन टू होस्ट टू. ओके, लेट्स से गई आपको ये अगर डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज करना है तो आपको लाइक एसटीपी में क्या है आपको कैसे प्ले करना पड़ेगा, सो दैट गाइस क्या है आप जो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है ट्रैफिक का, अगर आप उसको मूव करना चाहते हो, सो इफ यू सी गाइस लाइक अगर इस एक्सेस स्विच की बात करूँ तो इस एक्सेस स्विच के पास क्या थे, दो लिंक थे, वन इज गीगाबिट जीरो बाय जीरो एंड सेकेंड इज गीगाबिट जीरो बाय वन. एंड बाय डिफॉल्ट गाइस जो आपका लिंक यूज हो रहा है, दिस इज अ लिंक यूजिंग ओके गीगाबिट जीरो बाय जीरो. वेल लेट्स से गाइस लाइक अब मैं इसमें क्या करूँगा, फ्रॉम होस्ट वन टू होस्ट टू जब इस स्विच के पास ट्रैफिक आएगा तो वो ये लिंक यूज करेगा गीगाबिट जीरो बाय वन. ओके, तो इसके लिए गाइस जो मैं एसटीपी जो लाइक दिस स्विच आई बिलीव दिस इज अ नॉन रूट स्विच. तो कह लेकिन मैं आपको आइडिया दे दूँ लाइक स्विचिंग में जो अपने सी सी एन ए में जो एस टी पी पड़ा होगा, लाइक आपके पूरे नेटवर्क में क्या है आपका एक क्या होता है रूट स्विच होता है. आई बिलीव लाइक इन दिस केस गाइज जो आपका रूट स्विच है वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कोर वन है. ओके, और जो रेस्ट ऑफ गाइज आपके स्विचेज होते हैं वो क्या होते हैं आपके नॉन रूट स्विच होते हैं आपके. और इस केस में गई लेकिन ये मेरा स्विच क्या है नॉन रूट स्विच है, और हर एक नॉन रूट स्विच का क्या होता है एक रूट पोर्ट होता है और वही आपका ट्रैफिक क्या करता है कैरी करता है. सो आई बिलीव गले कि इस स्विच का जो रूट पोर्ट है दिस इज द रूट पोर्ट आरपी.
दैट इज वाई गाइज लाइक इस स्विच के ऊपर जो भी ट्रैफिक आएगा, सो गाइज लाइक राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वी लैन वन, ओके, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो स्विचेस के ऊपर एसटीपी फ्लेवर चलता है वो क्या चलता है आपका पीवीएसटी पर वी लैन स्पैनिंग ट्री, ओके। तो इस केस में गाइज लाइक जितना भी वी लैन वन का ट्रैफिक आएगा तो वो उसके लिए कौन सा लिंक यूज करेगा, गीगाबिट जीरो आए जीरो, यानी कि ट्रैफिक इसकी तरफ भेजेगा, रूट की तरफ भेजेगा। तो लाइक रूट पोर्ट को डिसाइड करने के लिए गाइस लाइक जो फैक्टर है वो क्या है आपकी एसटीपी कॉस्ट जस्ट लाइक ओएसपीएफ, ओके। तो बाय डिफॉल्ट गाइस लाइक जो आपका फास्ट इंटरनेट लिंक होता है उसकी कॉस्ट क्या होती है, आई बिलीव 4 और 19 19 होती है, लेट मी चेक, ओके। और जो गीगाबिट होता है इसकी शायद कॉस्ट क्या होती है, 4 होती है। सो इन केस गाइस अगर आप इस कॉस्ट को, अगर आप एसटीपी कॉस्ट को चेंज कर सकते हो तो आप अगेन लैन में क्या है, अगर आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग अचीव करनी है यानी कि पाथ को मॉडिफाई करना है तो जिस लिंक की गाइस आप जिस लिंक को आप प्रेफर करना चाहते हो उस लिंक की क्या आप एसटीपी कॉस्ट क्या लो सेट कर दोगे और मे बी जो दूसरा लिंक है जिस लिंक पे आप ट्रैफिक कैरी नहीं करना चाहते उस लिंक की आप एसटीपी कॉस्ट क्या आप हाई सेट कर दोगे। तो इस सिनेरियो में लाइक इफ आई शो यू गाइस अगर आप इस एक्सेस स्विच पे शो स्पैनिंग ट्री चेक करते हो तो शो स्पैनिंग ट्री फॉर वील एंड वन इसी गई लाइक जो आपका गीगाबिट जीरो है दिस इज माई रूट पोर्ट और बाइट फॉर लाइक जो गीगाबिट पोर्ट है इसकी कॉस्ट क्या होती है 4 होती है एंड जो दूसरा पोर्ट है वो क्या है मेरा ब्लॉक हो रखा है। द रीजन गाइज लाइक ये आपका जो गीगाबिट जीरो वाई जीरो बाय डिफॉल्ट एज गाइज लाइक अगर इस स्विच को अगर रूट स्विच को रीच करना है तो इस तरफ से गई कॉस्ट क्या है 4 और आई बिलीव गई इस साइड से गई लाइक जो कॉस्ट है 4 + 4 तो टोटल कॉस्ट गई कितनी होगी इधर से 8 दैट इज वाई ये क्या आपका पाथ यूज नहीं हो रहा। मतलब से गई अभी मैं क्या कर रहा हूँ तो लाइक जब होस्ट वन इस लिंक इस स्विच को ट्रैफिक भेज रहा है तो इंस्टेड ऑफ दिस पाथ ओके आई वॉन्ट टू यूज दिस पाथ एंड देन अगेन गई जो आपका ट्रैफिक है वो किसकी तरफ जाएगा कोर वन की तरफ जाएगा और देन मे बी गई ये ट्रैफिक क्या आपका बैक हो एक्सेस स्विच टू की तरफ जाएगा और देन आपका ट्रैफिक क्या होस्ट टू की तरफ जाएगा। आई नो गई लाइक दिस इज नॉट अ ऑप्टिमल पाथ ओके बट स्टिल गई लाइक जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पज ओके लाइक मेरे को पता होना चाहिए इनकेस अगर मेरे को पाथ मॉडिफाई करना है स्विचिंग में तो मैं इसको कैसे मॉडिफाई कर सकता। तो इस सिनेरियो में गाइस लाइक जब मैं एक्सेस स्विच पे ट्रैफिक आ रहा है तो आई वांट टू यूज दिस पोर्ट ओके गीगाबिट 0 y1 तो इस केस में गाइस लाइक जो आपका रूट पोर्ट है तो रूट पोर्ट पहले क्या चेक करता है किस लिंक की कॉस्ट लाइक टू अगर आपको रूट स्विच को रीच करना है तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है तो इस लिंक से गाइस कॉस्ट क्या पड़ रही है 4 पड़ रही है एंड इसी गई लाइक यहाँ पे आपके पास क्या है व्यू है टोपोलॉजी का तो आपको यहाँ पे लाइक आपको यहाँ पे दिख रहा है लाइक इस साइड से जो टोटल कॉस्ट कितनी है 4 + 4 टोटल क्या है 8 बट अगर गाइज आपको लाइक लेट्स से अगर आपके पास टोपोलॉजी का व्यू नहीं है तो आई बिलीव गाइज ये आप चेक कर सकते हो तो शो स्पैनिंग ट्री डिटेल या इसी गई लाइक दिस इज गीगाबिट 0 y 0 एंड पाथ कॉस्ट का यहाँ पे क्या टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितनी दिख रही है आपको 4 और जो मेरा दूसरा पोर्ट है ओके तो इस केस में गई लाइक जो पाथ कॉस्ट है और डेजिग्नेटेड कॉस्ट है वो क्या आपको ऐड करनी पड़ेगी टोटल कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी और इस साइड से गई लाइक अगर आप इसको ऐड करोगे 4 + 0 देन टोटल क्या होगी 4 तो इस कमांड से गई आप फिगर आउट कर सकते हो लाइक इस स्विच से जो रूट स्विच है वो कितनी दूर है तो इसी लाइक एज पर लाइक लेट्स से गाइस मैं इस कमांड से अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ गाइस दिस इज नॉन रूट स्विच ओके तो गाइस जो गीगाबिट 0 y 0 है यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी दिखा रहा है 4
और जो गीगाबिट 0/1 है यहाँ पे कही लाइक 4 प्लस कही थी एक और लिंक बता रहा है 4, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 8 होगी। तो समहाउ कही अगर मैं इस लिंक की कॉस्ट 8 से ज़्यादा कर देता हूँ, लेट्स से मैं कर देता हूँ 10, देन कही आपका ये पाथ क्या है प्रेफर होना शुरू हो जाएगा। सो इन दिस डायग्राम गाइस दिस वन ओके, सो टोटल कॉस्ट गाइस क्या 8 है। अगर इस लिंक की मैं कॉस्ट क्या कर देता हूँ, मैं 10 सेट कर देता हूँ, तो ये लिंक पे क्या ट्रैफिक क्या कैरी नहीं करेगा। ओके ये रिक्वायरमेंट आ सकती है आपके पास अगर स्विचिंग में आपको पाथ मॉडिफाई करना है या ट्रैफिक इंजीनियरिंग अचीव करनी है, तो आपको एसटीपी के कॉस्ट वैल्यू से क्या प्ले करना पड़ेगा। ओके सो दैट इज वाई की लाइक एसटीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू सी कही लाइक अभी मैं यहाँ पे आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ जो कि रियल में यूज होता है। एंड इफ यू नीड गाइस लाइक जो मेरी सीसीएनपी स्विचिंग की वीडियो होगी जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वहाँ पे गई मैंने एसटीपी लाइक फ्रॉम द स्क्रैच टू डीप मैंने पूरा पढ़ा रखा है। ओके आप उसको आप रिवाइज कर सकते हो। सो हियर गाइस सिंपली गाइस अगर आपको एसटीपी में कोर्स चेंज करनी है, तो गाइस लाइक जो मेरा ये लिंक है गीगाबिट 0/0 इसकी कोस्ट मैं क्या हायर सेट कर रहा हूँ। सो ऑन द एक्सेस स्विच 1, सो इंटरफेस गीगाबिट 0/0 स्पैनिंग ट्री, एंड यू सी गाइस लाइक अभी जो हम चेंजेस कर रहे हैं हम स्पेसिफिक वीएलएन 1 के लिए कर रहे हैं। तो वीएलएन 1 एंड कोस्ट लेट्स से गाइस लाइक इंस्टेड ऑफ 8 आई एम सेटिंग 100। ओके ओके इसका रिजल्ट गाइस क्या निकलेगा, अगेन इफ यू सी शो स्पैनिंग ट्री वीएलएन 1 आपका जो गीगाबिट 0/1 जो आपका पोर्ट है वो क्या बन गया आपका रूट स्विच बन गया। इसी के लिए रूट पोर्ट क्या करता है ओनली लिंक का ट्रैफिक क्या करता है कैरी करता है, और हर एक नॉन रूट स्विच का गाइस एक ही रूट पोर्ट होता है आपका। ओके तो इस केस में गाइस अगर आप दोबारा अगेन गाइस लाइक यू नो लाइक जो एसटीपी में कोई भी चेंजेस होता है तो वो इमीडिएटली क्या ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं करता। गाइस अगर आप ये चीज प्रोडक्शन में करते डेफिनेटली 30 सेकेंड के लिए गाइस क्या आपका इम्पैक्ट पड़ता। अगर आप एक लिंक से दूसरे लिंक पे ट्रैफिक मूव कर रहे हो इन लैन ओके इन स्विचिंग गाइस वहाँ पे जो प्रोटोकॉल रन करता है एसटीपी एंड यू नो गाइस लाइक बाय डिफॉल्ट लाइक एसटीपी करता है लाइक 15 सेकेंड फॉर लिसनिंग एंड 15 सेकेंड फॉर लर्निंग। ओके 30 सेकेंड तक गाइस क्या आपका वो लिंक है ट्रैफिक कैरी नहीं करेगा। इन केस गाइस अगर आप ये प्रोडक्शन आवर में करते हो तो यूज़र को क्या इशू आएगा। ओके तो डेफिनेटली गाइस लाइक ये आपको ये एक्टिविटी प्लान करनी पड़ेगी नॉन प्रोडक्शन आवर में यानी कि वीकेंड में। तो हियर गाइस लाइक हालांकि राउटिंग की बात करो गाइस लाइक राउटिंग में जो इसको गाइस हम क्या बोलते हैं कन्वर्जन स्पीड बोलते हैं। अगर एक लिंक से आप ट्राफिक दूसरे लिंक पर मूव कर रहे हो तो कितना टाइम लग रहा है आपका, तो लाइक ओएसपी में गई आपकी जो कन्वर्जन स्पीड है वो क्या है डेफिनेटली एसटीपी से क्या फास्ट है। तो इस सिनेरियो में गाइज अगर आप दोबारा चेक करते हो लाइक होस्ट 1 टू होस्ट 2 कम्युनिकेट, सो नाउ दिस टाइम गाइज अगर मैं इस पाथ को ट्रेस करता हूँ ओके सो लेट्स से पिंग 192.168.1.2 ये आपकी कम्युनिकेशन हो रही है शो IPR तो गाइस दिस इज अ मैक एड्रेस ऑफ होस्ट 2 ओके एंड गाइस अगर एक्सेस स्विच पे जब ये ट्रैफिक आता है शो मैक एड्रेस तो इस मैक एड्रेस के लिए गाइस ये स्विच क्या कर रहा है अब ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है किसकी तरफ गीगाबिट 0/1 की तरफ। सो के लिए जब इस पीसी से जब ट्रैफिक हम इनिशिएट करा तो ये ट्रैफिक रिक्वेस्ट रिसीव हो रही है किसकी तरफ एक्सेस स्विच 1 की तरफ। देन एक्सेस स्विच 1 से गई जब ट्रैफिक लीव हो रहा है आपका किसकी तरफ गीगाबिट 0/1 की तरफ विच इज कनेक्टेड टू कोर 2 ओके अगेन गई लाइक कोर 2 पे जब हम ये कमांड रन करेंगे टेल मी लाइक अगर आप इस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए ट्रैफिक किस तरफ फॉरवर्ड करेगा तो गई अगर मैं कोर 2 से ही पूछता हूँ सो शो मैक एड्रेस तो कहते ये ट्रैफिक गाइस फॉरवर्ड कर रहा है किसकी तरफ गीगाबिट 0/1 की तरफ। तो
गीगाबिट 0/1 ट्रैफिक आपका जो पोर्ट है वो कनेक्टेड आपका किसकी तरफ, कोर वन की तरफ। देन गाइस देखिए, अगर मैं कोर वन पे सेम कमांड रन करता हूँ, सो गाइस लाइक इस डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए कोर वन ट्रैफिक किस तरफ फॉरवर्ड कर रहा है, सो इनेबल लाइक ये ट्रैफिक आपका अप फॉरवर्ड कर रहा है किसकी तरफ, गीगाबिट 0/3 की तरफ, जो आपका कनेक्टेड है एक्सेस स्विच 2 पे। ओके, और देन गाइस लाइक एक्सेस स्विच 2 पे होस्ट 2 क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो गाइस लाइक अभी आपका पाथ लाइक फ्रॉम होस्ट 1 टू होस्ट 2 ये पाथ फॉलो हो रहा है। डेफिनेटली गाइस दिस इज लाइक नॉट अ ऑप्टिमल पाथ। ओके, तो आप हालांकि इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेटेंसी, क्योंकि लैन में गाइज यू हैव अ गीगाबिट। ओके, तो लेटेंसी स्टिल क्या अराउंड 2 or 3 MSC लेटेंसी होगी आपकी, बट डेफिनेटली गाइज लाइक वी नो द डायग्राम, वी नो लाइक हाउ होस्ट 1 एंड होस्ट 2 कनेक्टेड। ओके, दिस इज नॉट अ ऑप्टिमल पाथ। पहले हम ट्राफिक एक्सेस स्विच से कोर 2 को भेज रहे हैं, देन कोर 2 से कोर 1 को भेज रहे हैं, देन अगेन कोर 1 किसको भेज रहे हैं, एक्सेस स्विच 2 को। दिस इज़ अ वे लाइक गाइज लाइक वी कैन अचीव द ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ओके, तो आपको STP के बारे में गाइज पता होना चाहिए, एंड इफ यू नीड गाइज लाइक मोर डिटेल फॉर STP यू कैन वॉच माई CCNP वीडियो। ओके, देन गाइज लाइक फर्दर इन द रियल वर्ल्ड, ओके लाइक दो कमांड काफ़ी यूज होती हैं, वन इज STP BPW गार्ड एंड सेकेंड इज STP BPW फिल्टर। ओके, एंड गाइस लाइक मेनली गाइस हम ये कमांड कॉन्फ़िगर करते हैं इन दिस डायग्राम, जो मेरे एंड पोर्ट होते हैं जहाँ पे मेरे एंड डिवाइस कनेक्टेड होते हैं गाइस। तो गाइस लाइक इस पोर्ट पे गाइस लाइक हम पोर्ट फास्ट स्विचर ऑन करते हैं, और देन गाइस लाइक इट डिपेंड अप टू अस। ओके, ईदर वी कैन इनेबल BPW फिल्टर और BPW गार्ड। तो इन द रियल वर्ल्ड गाइस लाइक हर एक जो आपका एंड पोर्ट है जहाँ पे आपके एंड डिवाइसेस कनेक्टेड है, उन पोर्ट पे एक तो पोर्ट फास्ट क्या आपका फीचर क्या होगा, ऑन होगा। सेकंड गाइस, इधर आप BPW फिल्टर ऑन करोगे या BPW गार्ड, मे बी आप गाइस दोनों भी इनेबल कर सकते होंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड गाइस लाइक व्हाई वी यूज दिस कमांड फॉर एंड पोर्ट। ओके, यहाँ पे आपके यानी कि फॉर एक्सेस पोर्ट। ओके, यहाँ पे आपके क्या है, एंड डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। ओके, द फर्स्ट लाइक अंडरस्टैंड स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। ओके, मेनली गई लाइक आपने CCNA में स्टडी करा होगा लाइक पोर्ट फास्ट क्या है, 30 सेकेंड सेव करता है, इमीडिएटली क्या है पोर्ट ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देगा। या दैट इज एडवांटेज, बट दैट इज नॉट द मेजर एडवांटेज। ओके, मेजर एडवांटेज गाइस क्या है, जब आप इस पोर्ट पे पोर्ट फास्ट ऑन करते हो, उसी के लाइक एंड यूज़र क्या करता है, लाइक ये उसका लैपटॉप है, उसने कभी ये लैन केबल रिमूव कर दी, कभी लगा दी, कभी रिमूव कर दी, कभी लगा दी, दिस इज़ नॉट अ गुड फॉर योर लैन नेटवर्क। ओके, क्योंकि गाइस जब भी आप कोई भी केबल डाउन करते हो, अप करते हो, तो गाइस लाइक STP क्या करता है, बाय डिफॉल्ट STP TCN जनरेट करता है, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। एंड गाइस दिस इज़ वेरी डेंजरस। ओके, जब भी गाइस आपके नेटवर्क में कोई चेंज होता है, तो उस केस में गाइस आपका जो मैक एड्रेस टेबल है वो रिमूव हो जाता है और दोबारा से रीबिल्ड होता है। उसी के लिए स्विच कैसे अपना कैम टेबल अपडेट करता है, तो गाइस लाइक हमें इस चीज़ को अवॉइड करना है भाई। अगर आपके जो एंड मशीन है यानी कि एंड पोर्ट है, अगर कोई एंड यूज़र अपने लैपटॉप से लैन केबल रिमूव कर रहा है, तो मेक श्योर क्या TCN जनरेट नहीं होनी चाहिए आपकी। तो गाइस जब भी आप इस पोर्ट पे पोर्ट फास्ट फीचर ऑन कर देते हो, और वो पोर्ट गाइस अगर आपका अप डाउन हो रहा है, तो गाइस लाइक वो TCN जनरेट नहीं करता। दैट इज गाइस लाइक द बिगेस्ट एडवांटेज when you configuring the port fast feature on the port. Okay. So if I show you guys like अगर आप इस end port को up down करोगे, तो
if you see like you can see like a behind the scene spanning tree ke karega tcn generate karega. Let me show you guys. Let's say if I show you debug spanning tree all, okay, and let me guys this output is very lengthy. Okay, maybe let's say main kya kar raha hu, we will see specific. Okay, so debug spanning tree event and debug spanning tree, let's say maybe like in the event we can see the TCN message. Okay, let's say guys main kya kar raha hu, main like jo mera gigabit 0i2 hai which is connected to the end host, host 2, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शट डाउन कर रहा हूँ. या यू सी गाइज लाइक एस टी पी सेंट टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन दैट इज गाइज टी सी एन. ओके, एंड वंस गाइज लाइक टी सी एन जनरेट, इट विल फ्लश द मैक एड्रेस ऑफ दिस स्विच. अगेन गाइज लाइक इस स्विच को क्या द्वारा रीबिल्ड करना पड़ेगा कैम टेबल. तो इस चीज को गाइज अवॉइड करने के लिए जितने भी आपके एंड पोर्ट होंगे, मेक श्योर गाइज आप उस पर क्या पोर्ट फास्ट फीचर क्या करोगे, ऑन करोगे. क्योंकि लाइक पोर्ट फास्ट फीचर गाइज क्या करता है, इस टी सी एन मैसेज को क्या करता है, स्टॉप करता है. प्लस गाइज वो लिसनिंग और लर्निंग स्टेज को भी क्या करता है, डिस्कार्ड करता है. सेकेंड एडवांटेज गाइज क्या है, जो लिसनिंग और लर्निंग स्टेज है वो क्या है, आपकी डिस्कार्ड हो रही है. तो इस केस में गाइज लाइक ऑलवेज इन द रियल वर्ल्ड आपको एंड पोर्ट पे पता क्या कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी. So let's say no shutdown. First guys like spanning tree port fast. Okay, यहाँ पे एज गाइज ये कमांड आई बिलीव लाइक यूज होती है नेक्सस में, बट ई में गाइज दिस इज अ वे टू इनेबल द पोर्ट फास्ट. ओके, बट इन द रियल वर्ल्ड गाइज लाइक दिस इज द ओनली कमांड वी रिक्वायर टू इनेबल द पोर्ट फास्ट फीचर ऑन द पोर्ट. ओके, और गाइज लाइक मैं इस डीबग को मैं करूँ, मैं डिसेबल कर रहा हूँ. सो You all. इसी के लिए जो आपका गाइज लाइक एंड पोर्ट है जहाँ पे हमारा होस्ट टू कनेक्टेड है, तो आप ये कमांड कन्फिगर करोगे स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट. सेकेंड गाइज आप कमांड कन्फिगर करोगे. ओके, इसी के लिए बाय डिफॉल्ट स्विच के हर पोर्ट पे क्या है, हम बीपीडीयू क्या करते हैं, सेंड करते हैं. बीपीडीयू गाइज क्या है, बेसिकली स्पैनिंग ट्री हेलो मैसेज. तो इवन दो गई लाइक हम इस मशीन को भी क्या हैलो पैकेट भेज रहे हैं, विच इज अननेसेसरी, राइट? क्योंकि देर इज नो एडवांटेज टू सेंडिंग द हैलो मैसेज टू द मशीन. ओके, एंड डिवाइस लाइक प्रिंटर हुआ चाहे आपका, क्योंकि दे आर नॉट रनिंग एसटीपी. इवन दो गई ये राउटर भी क्या है, एसटीपी नहीं रन करता. ओके, इसको नहीं पता एसटीपी पैकेट क्या है, बीपीडीयू मैसेज क्या है. सो इफ आई शो यू गाइज लाइक अगर आप इस चीज़ को चेक करो, शो स्पैनिंग ट्री इंटरफेस गीगाबिट 0i2 एंड डिटेल. इफ यू सी गाइस लाइक हर 2 सेकंड बाद मैं बीपीडीयू क्या कर रहा हूँ, मैं सेंड कर रहा हूँ. और रिसीव गाइस क्या है, 0, क्योंकि लाइक ये आउटर क्या है, इस डिवाइस को कोई बीपीडीयू नहीं भेज रहा. बट दिस इज अननेसेसरी, राइट? लाइक अननेसेसरी क्या है, हम 2 सेकंड बाद क्या है मैसेज भेज रहे हैं एंड यूजर को. ओके, तो नेक्स्ट कमांड क्या करते हो आप, इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए आप यूज करते हो बीपीडीयू फिल्टर. ओके, लाइक बीपीडीयू फिल्टर गाइज आपका क्या करता है, तो आपका पोर्ट के ऊपर आउटबाउंड बीपीडीयू और इनबाउंड बीपीडीयू क्या करता है, स्टॉप करता है. इसी के लिए जो आपका ये स्विच है और स्विच का जो पोर्ट जा रहा है एंड मशीन के ऊपर, तो सेंट यानी कि आउटपुट बीपीडीयू ये है स्विच के लिए, और इनबाउंड बीपीडीयू अगर कोई सामने वाला डिवाइस मेरे को बीपीडीयू भेज रहा है. तो जो बीपीडीयू फिल्टर है गाइस, ये सेंडिंग भी स्टॉप करता है और इनकमिंग भी स्टॉप करता है. तो इस केस में गाइस आप माई पॉइंट ऑफ व्यू गाइज दिस इज अ बेस्ट कमांड. तो आप क्या करते हो, हर एक लाइक एंड मशीन के ऊपर क्या आप इस फीचर को क्या आप ऑन करोगे. इसी के लाइक इंटरफेस गीगाबिट
0y2 spanning tree BPDO filter enable. Okay, अगर डिसेबल करना है गाइस लाइक डिसेबल इज द कमांड. देन गाइस इन द रियल वर्ल्ड यू विल सी वन मोर कमांड विच इज BPDO guard. सो BPDO guard गाइस क्या करता है, ये सिर्फ स्टॉप करता है इनबाउंड BPDO. अब गाइस आप ये सोच रहे होगे लाइक जो लेट्स से जो मेरा स्विच है, इस स्विच का पोर्ट क्या है, एंड मशीन से कनेक्टेड है, ये मशीन तो कोई भी BPDO मेरे को सेंड नहीं करेगी, विच इज फॉर स्विच परस्पेक्टिव ये क्या गाइज इनबाउंड BPDO है, यानी कि मैं रिसीव कर रहा हूँ. तो BPDO गार्ड क्या करता है, इनबाउंड BPDO क्या करता है, स्टॉप करता है. तो इवन गाइज लाइक जो मशीन है वो अगर हमको BPDO सेंड कर ही नहीं रहे तो मैं ये कमांड क्यों इनेबल कर रहा हूँ. उसी के लिए बाय डिफॉल्ट देयर इज वन अटैकिंग. तो गाइज लाइक अगर इस मशीन पे कोई अटैकर आपका मे बी लैन लेट्स से उसके पास क्या है, आपकी लैन मशीन का एक्सेस आ गया, तो गाइज अगर इस मशीन ने सुपीरियर BPDO होता है एक आपका, जो कि बेसिकली क्या करता है पूरे लैन में अपने आप को क्या है एज ए रूट स्विच कंसीडर कर देगा. एंड एज वी नो गाइज लाइक हर एक स्विच आपका पहले ट्रैफिक किसकी तरफ फॉरवर्ड करता है, रूट की तरफ ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है. तो अगर इस मशीन पे गाइज अगर किसी ने कोई लाइक कैप्चरिंग कर रहा है ओके, तो उस केस में गाइज क्या है, दिस इज अ सिक्योरिटी इशू ओके. तो उस केस में गाइज लाइक इस अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हम BPDO गार्ड कन्फिगर करते हैं. इवन गाइज लाइक इस अटैक को BPDO फिल्टर भी स्टॉप कर सकता है. बट यू सी लाइक जो BPDO फिल्टर है गाइज वो साइलेंटली BPDO पैकेट क्या करता है, ड्रॉप करता है. हाउएवर गाइज लाइक जो BPDO गार्ड है, अगर किसी अटैकर ने BPDO सेंड करा और आपका BPDO गार्ड क्या ऑन है, तो इस पोर्ट को क्या कर देगा, वो शट कर देगा, यानी कि एरर डिसेबल में मूव कर देगा ओके. लेकिन ये गाइज लाइक साइलेंटली क्या करता है, BPDO सेंडिंग एज वेल एज रिसीविंग दोनों स्टॉप करता है. और BPDO गार्ड गाइज क्या करता है, सिर्फ इनकमिंग BPDO क्या स्टॉप करता है. तो हालांकि गाइज आप ये दोनों फीचर क्या है मतलब सेम यूज़ कर सकते हो, मतलब अगर आपको दोनों फीचर ऑन करने हैं तो आप दोनों फीचर भी क्या है एंड पोर्ट पे क्या है ऑन कर सकते हो. तो इस केस में गाइज लाइक अभी जो हमने BPDO फिल्टर ऑन करा था, सो लेट मी शो यू गाइज लाइक अगर आप दोबारा आउटपुट चेक करो, शो स्पैनिंग ट्री, लेट मी यूज एरर ओके. ये जो गाइज एक सेंडिंग है देखो 102, ये गाइज क्या आपकी स्टॉप होगी देखो, क्योंकि वाई क्योंकि आपने BPDO फिल्टर क्या कर रखा है. देखो ये देखो BPDO फिल्टर इज इनेबल, वंस यू इनेबल दिस फीचर ओके, आपकी सेंडिंग एज वेल एज रिसीविंग. अभी देखो जो राउटर है वो तो मेरे को सेंड कर ही नहीं रहा, दैट्स वाई ये मेरे को काउंटर क्या 0 दिख रहा है, लेकिन ये सेंडिंग क्या आपकी स्टॉप होगी. अब मैं इसको BPDO नहीं भेज रहा, पहले ये हर 2 सेकंड बाद ये काउंटर क्या था इंक्रीज हो रहा था. एंड यू सी लाइक राइट नाउ गाइस लाइक हमने सिंपली 2 कमांड ऑन करी हैं, 1 इज पोर्ट फास्ट, 2 इज BPDO फिल्टर. एंड गाइस लाइक इफ यू वांट आप BPDO गार्ड भी क्या ऑन कर सकते हो, 0y2 स्पैनिंग ट्री BPDO गार्ड ओके. तो BPDO गार्ड भी क्या गाइस आप दोनों फीचर क्या आप मतलब अगर आपको दोनों यूज करने हैं तो आप दोनों भी यूज कर सकते हो. तो इस पोर्ट पे गाइज फिल्टर भी इनेबल है और BPDO गार्ड भी इनेबल है. एनी क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट, तो STP पोर्ट फास्ट के गाइज लाइक 2 मेजर एडवांटेज हैं. 1 इज लाइक जैसे मैंने आपको बताया ना, इससे आपके
ये जो पोर्ट है स्विच का, तो ये अगर लैपटॉप पे कनेक्ट है तो एंड यूज़र क्या करते हैं, कभी लैन केबल रिमूव कर दी, कभी अटैच कर दी। जैसे मेरे पास लैपटॉप है तो मैं हर सुबह 9 बजे अपनी कंपनी में आता हूँ, लैन केबल लगाता हूँ और आपके नेटवर्क को क्या है मैं एक्सेस करता हूँ, और इवनिंग टाइम में क्या है वो मैं केबल रिमूव करता हूँ और अपने घर चला जाता हूँ। बार बार मैं जो केबल लगा रहा हूँ, अप कर रहा हूँ, डाउन कर रहा हूँ, तो ये गाइस क्या करता है, अगर आप पोर्ट फास्ट फीचर नहीं यूज़ करोगे तो ये क्या करता है, TCN जनरेट करता है। और TCN का मतलब क्या है, आपके नेटवर्क में कोई चेंज हुआ है, कोई पोर्ट अप हुआ है या डाउन हुआ है, तो जब भी आपके नेटवर्क में TCN जनरेट होता है तो स्विचेस क्या करते हैं, अपना कैम टेबल, देखो कैम टेबल वो कैसे ऑपरेट करते हैं, वो कैम टेबल क्या है फ्लश कर देते हैं और दोबारा से रीबिल्ड करते हैं। ओके तो गई, जब जब स्विच का कैम टेबल मेंटेन नहीं होता तो स्विच क्या करता है, एज ए ब्रॉडकास्ट यानी कि हब का काम करता है, ब्रॉडकास्टिंग करता है। जितनी ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग आपके नेटवर्क में होगी लैन में, उतना आपका लैन का होगा स्लो होगा। तो इस TCN को स्टॉप करने के लिए, तो इफ आई शो यू लाइक, अभी देखो मैंने क्या कर रखा है, इस पोर्ट पे हमने क्या कर रखा है, पोर्ट फास्ट फीचर क्या ऑन कर रखा है। अगर मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ स्पैनिंग ट्री डीबग, ओके जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, डीबग स्पैनिंग ट्री इवेंट। अब मैं दोबारा इस पोर्ट को अगर तो शट करता हूँ, तो लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा तो इस पोर्ट पे क्या था, पोर्ट फास्ट फीचर क्या था, डिसेबल था। और जैसे मैंने इस पोर्ट को शट करा तो स्पैनिंग ट्री ने क्या है, TCN मैसेज जनरेट करा था, टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन। ठीक है, अगर मैं शट करता हूँ, यू सी कैन, दिस टाइम इवन दो गई लेकिन हमने डीबगिंग ऑन कर रखी है, मेरे पास जो लॉग मैसेज आया वो इंटरफेस डाउन का आया, लेकिन स्पैनिंग ट्री TCN का नहीं आया। तो लास्ट टाइम गाइज द रीज़न गाइज, अब इस पोर्ट पे क्या है, पोर्ट फास्ट फीचर क्या ऑन है, दैट इज़ बाय गाइज एक वो आपका TCN क्या स्टॉप कर रहा है जनरेट होने से। सेकंड गाइज एडवांटेज क्या है, देखो पोर्ट फास्ट जब आप पोर्ट पे ऑन करते हो, सेकंड एडवांटेज गाइज क्या है, जैसे ही आप इस पोर्ट को अप करोगे, ये पोर्ट क्या है आपका इमीडिएटली क्या है, शो स्पैनिंग ट्री, यू सी लाइक यहाँ पे स्पैनिंग ट्री में दिखा दिया, इमीडिएटली क्या है ये आपका क्या है फॉरवर्डिंग में चला जाएगा, यानी कि जो लिसनिंग लर्निंग है उसको क्या करेगा, डिस्कार्ड करेगा। क्लियर रंजीत? अदर वाइज क्वेश्चन? सो यू मीन्स लाइक अनवांटेड यूज़र आपके नेटवर्क में DHCP के थ्रू IP एड्रेस ले रहे हैं, राइट? तो इस चीज़ को लाइक प्रिवेंट करने के लिए मे बी लाइक यू कैन कन्फिगर लाइक IP DHCP स्नूपिंग। ओके सो तो ये भी लाइक मैं डिस्कस करूँगा। तो लाइक जैसे मेरा ये स्विच लगा हुआ है, तो वो इस स्विच पे क्या मतलब कोई अपना कोई अनमैनेज स्विच लगा लेते हैं, मतलब ऐसी। तो यहाँ पे लाइक गई सर, लाइक आप कहते होते हैं अगर हर स्विच पे पोर्ट सिक्योरिटी भी कन्फिगर आपकी, तो कोई भी आपके नेटवर्क में क्या है, पहले तो जैसे मैंने यहाँ पे भी मैंने देखा था, तो यूज़र क्या करते हैं अगर लाइक जैसे डी लिंक का कोई भी एक अनमैनेज स्विच ले आए और जो उनकी सीट पे जो जो की पोर्ट है, ओके वहाँ पे वो स्विच लगाया और यहाँ पे क्या है मल्टीपल यूज़र कनेक्ट हो गए, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए पहले तो हमने लाइक हर एक पोर्ट पे क्या है पोर्ट सिक्योरिटी कन्फिगर कर रखी है। तो हर पोर्ट पे क्या है एक ही मैक एड्रेस लर्न होगा। इनकेस गई लाइक इफ वी लर्निंग मोर देन वन मैक एड्रेस, तो ये पोर्ट क्या है एरर डिसेबल में चला जाएगा। ओके सो देयर इज मल्टीपल वे गाइस लाइक इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए, अगर आप अपने नेटवर्क में अनवांटेड लाइक आप यूज़ नहीं करना चाहते यूज़र को या किसी दूसरे डिवाइस को, तो डेफिनेटली क्या है आपको अपने नेटवर्क को क्या सिक्योर रखना पड़ेगा। दिस इज मल्टीपल वे, लाइक वन इज लाइक पोर्ट सिक्योरिटी। अगर आप DHCP की बात करो तो DHCP में एक
ऑप्शन है हमारे पास आईपी, डीएससीपी, स्नूपिंग, जो कि डीएससीपी के अटैक या अनवांटेड लाइक जो डीएससीपी सर्वर है और रिक्वेस्ट को स्टॉप करने के लिए हम यूज कर सकते हैं. ओके अनुभव क्लियर है जो मैंने आज पढ़ाया. मोहित क्वेश्चन क्वेश्चन पूछो यार. इज लाइक आपको मैं अपनी सीसीएनपी की वीडियो देता हूँ, तो जिनकी लाइक स्विचिंग क्लियर नहीं है, मतलब ऐसे एसटीपी शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो. इसी के लिए एज ए टोल्ड यू गाइस, यहाँ पे मेरा मेन फोकस क्या होगा, जितने भी लाइव टॉपिक है जैसे ये कमांड यूज़ होती है इनको समझाना और इसको मैं क्यों यूज़ करता हूँ. ओके तो पहले लाइक ये जो हमारा एक जो मेरा कंपनी का सेटअप होता है, तो मैंने एक लैन पार्ट डिज़ाइन कर रखा है. तो जितने भी अभी हम स्विचिंग के टॉपिक कवर करेंगे वी सी गाइस लाइक ये टॉपिक मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्या एडवांटेज है इसकी. ओके और अगर मैं इसको कन्फिगर नहीं करूँगा तो क्या डिसएडवांटेज है. तो गाइस सिमिलरली लाइक आपको हर एक टॉपिक को लाइक आपको ऐसे पढ़ना है, मतलब इसको अगर मैं यूज़ करूँगा तो मेरे नेटवर्क में मैं क्या अचीव कर रहा हूँ. ये मोहित नो नो दैट्स बेसिकली दे आर मे बी टॉकिंग अबाउट द नेटवर्क फायरवॉल. तो आप विंडो फायरवॉल की बात कर रहे हो क्या, नेटवर्क फायरवॉल की बात कर रहे हो. ठीक है, जैसे या वो कल वाले टॉपिक से इसका कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अब तक हमने नेटवर्क फायरवॉल टच भी नहीं करा. तो जैसे हमारे पोन ऑल्टो हम कवर करेंगे इस कोर्स में, FortiGate हम कवर करेंगे, ASA फायरवॉल हम कवर करेंगे, तो वो तो हमने टच भी नहीं करा. तो ये एक फीचर है विंडो मशीन के ऊपर फायरवॉल का. ओके तो इस फायरवॉल का और जो हमारा नेटवर्क फायरवॉल है इससे कुछ लेना देना नहीं है, मतलब इससे कुछ इसका रिलेटेड नहीं है मतलब. नो दिस इज विंडो फायरवॉल, विंडो मशीन के ऊपर जो फायरवॉल होता है. राइट तो अभी तक हम ये नेटवर्क फायरवॉल टच भी नहीं करा, क्योंकि अगर आप डायग्राम देखो तो जो मैंने आपको डायग्राम बताया था. हाँ वही लाइक तो राइट नाउ गाइस लाइक जो हम बेसिकली अभी लैन पार्ट पे फोकस कर रहे हैं, स्विचिंग पार्ट पे दिस ब्लॉक है. तो ये लगेगा उसके बाद मेरे फायरवॉल, तो ये फायरवॉल हम अभी टच नहीं कर रहे, अभी मैं लैन पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ. तो ये तो एक विंडो के जो विंडो मशीन है इसमें एक फीचर है फायरवॉल का. तो दिस इज नॉट नेटवर्क फायरवॉल. ओके अंजू क्वेश्चन कोई. जनरली कहीं लाइक हम आप अपलिंक कैसे डिफाइन करते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे हम ये डिज़ाइन करते हैं. यू सी ओके सो जब भी कहीं लाइक जब भी आप एक्सेस स्विच लेते हो तो एक्सेस स्विच के ऊपर क्या है, अलग से दो पोर्ट होते हैं. नॉर्मली ये क्या है 10 GB के हैं और रेस्ट ऑफ मेरे क्या है से 48 पोर्ट वो 1 GB के होंगे. पहले तो जितने 1 GB के पोर्ट होंगे दीज आर फॉर माई एंड डिवाइसेस. और 10 GB के पोर्ट मैं कनेक्ट करता हूँ किसकी तरफ, अपने अपलिंक कोर की तरफ. ओके और सेकंड गाइस जब आप इस पोर्ट पे कॉन्फ़िगर करते हो तो इस पोर्ट पे क्या आप CDP के थ्रू भी चेक कर सकते हो, लेकिन ये आपका जो पोर्ट है किस डिवाइस की तरफ जा रहा है. अगर आपको स्विच दिख गया दैट मीन्स क्या ये आपका कोर की तरफ जा रहा मतलब. और इन द रियल वर्ल्ड गाइस हम डिस्क्रिप्शन भी देते हैं ये मेरा पोर्ट क्या है, अपलिंक है कोर 1 या कोर 2 की तरफ जा रहा. आई विल शो यू गई लाइक दिस थिंग. ओके इन द रियल सिनेरियो. ओके मैं रियल नेटवर्क में जब मेरी क्लास होगी लाइक वंस वी कंप्लीट द स्विचिंग पार्ट. ओके
ये आई विल शो यू, मैं जितनी चीज़ें हम कवर करेंगे सारी मैं आपको दिखाऊंगा रियल में। देखो ये देखो एंड पोर्ट पे ये कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, इस कमांड का ये पर्पज है, तो कैसे अगर मैंने जो मेरे इशू यहाँ पे सॉर्ट आउट करे हैं, देखो ये मेरे पास इशू आया था, मैंने इसको ऐसे ट्रबल शूट करा। वी विल डिस्कस लाइक रंजीत लाइक हाउ वी सो फार गाइज। लाइक अभी मैं डेमो पार्ट कवर नहीं करा, लाइक HSRP या VSS वो अभी हम कवर करेंगे आगे स्विचिंग में, मतलब कैसे लाइक HA में। या आई गॉट योर पॉइंट, मतलब अगर इस मशीन को अगर इंटरनेट को एक्सेस करना है तो रिक्वेस्ट क्या है आपकी, गेटवे के पास जाएगी, तो अगर आपका एक कोर डाउन हो गया तो अपने आप इस मशीन का इंटरनेट का ट्रैफिक दूसरे कोर से कैसे मूव होगा, राइट? या वी विल डिस्कस दिस लेटर, ओके? ओके, ये डिपेंड करता है। या दिस इज गुड क्वेश्चन, ओके? या वी विल टॉक अबाउट, अगर आपको इसको बंडल करना है तो इसको गाइस बोलते हैं हम MLAG मल्टी चेस्ट ईथर चैनल, ये आगे आएगा, नेक्स्ट आएगा ये टॉपिक हमारा। ओके गाइस लाइक सो वी विल सी यू टुमारो लाइक सेम टाइम, ओके? 9 to 10। जिसके गाइस क्वेश्चन होते हैं वो लाइक बाद में, जैसे आप वीडियो रिपीट कर रहे हो तो आप व्हाट्सएप में पिंग कर सकते हो मेरे को, ठीक है? और सून गाइस लाइक आई विल शेयर यू माई CCNP वीडियो, तो मे बी लाइक इसी वीक में गाइस मैं आपको CCNP स्विचिंग की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा।